फ्रेंड्स आप देख रहे हैं भव्य हेल्थ केयर। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियो सबसे पहले। हेलो एवरीवन, वेलकम टू भव्य हेल्थ केयर और मैं हूँ आपकी दोस्त भव्य। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मॉनसून के मौसम में आप अपने बच्चे को कैसे हेल्दी रख सकते हैं और उन्हें खाने में क्या क्या चीजें दें जिससे आपका बच्चा रहे हेल्दी और फिट। तो चलिए देखते हैं हमारे इस वीडियो को। बारिश के मौसम में पेट से जुड़ी समस्याएं बढ़ जाती है, खास तौर से बच्चों को इस परेशानी से ज्यादा गुजरना पड़ता है। उन्हें इस सीजन में स्वस्थ बनाए रखने के लिए खाने पर ध्यान देने की ज्यादा जरूरत होती है। बारिश के मौसम में बच्चों की पाचन क्रिया को लेकर कई तरह की समस्याएं देखने को मिलती है। वैसे बच्चों को पेट दर्द होना एक आम समस्या है, लेकिन कभी कभार ये गंभीर बीमारियों की तरफ भी इशारा करते हैं। इसलिए पेरेंट्स को बच्चों के पेट दर्द से संबंधित कारणों को लेकर जागरूक जरूर रहना चाहिए। जैसे जैसे बच्चों को फास्ट फूड खिलाने से सख्त परहेज करना चाहिए। कुछ ऐसी ही चीजों के बारे में जिन्हें खाने से बच्चे हमेशा स्वस्थ रहेंगे और मॉनसून में होने वाली कई तरह की बीमारियों से भी दूर रहेंगे। मूंग की दाल की खिचड़ी। बिना तेल और मसाले से बनी मूंग की दाल की खिचड़ी, मूंग की दाल की सादी खिचड़ी बच्चे को खिलानी चाहिए। खिचड़ी में मिले हुए चावल, दाल और घी कार्बोहाइड्रेट, फाइबर और प्रोटीन और विटामिन सी जैसे कई पौष्टिक तत्वों से भरपूर होते हैं और इसे पचाने में भी समस्या नहीं होती है। नारियल पानी। नारियल पानी पीने से बच्चों को पेट दर्द में काफी राहत मिलती है, साथ ही आपके बच्चे की बॉडी को डिहाइड्रेट भी नहीं होने देता है। नारियल पानी फाइबर का एक अच्छा स्रोत है, इसलिए ये बच्चों के पाचन तंत्र को बेहतर बनाने में मदद करता है। दही। दही एक ऐसा डेयरी उत्पाद है जो पेट दर्द से छुटकारा दिलाता है, लेकिन दही इनमें से सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। दही में हेल्दी बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो पेट दर्द में फायदेमंद होते हैं। ये बच्चों के लिए हेल्दी बैक्टीरिया की संख्या बढ़ाता है और पाचन क्रिया को भी बेहतर बनाता है और इससे बच्चों का पेट दर्द जल्दी ठीक हो जाता है। केला। केले में जरूरी न्यूट्रिएंट्स जैसे कि पोटेशियम, फाइबर, मैग्नीशियम और विटामिन B6 होते हैं, इसलिए केला खाने से पाचन क्रिया बेहतर होती है। पेट दर्द से निजात दिलाने के लिए बच्चों को केला दिया जा सकता है। कब्ज और अल्सर की समस्याओं से निजात दिलाने में भी केला मददगार होता है। सेब। पेट दर्द में बच्चों को आम खिलाने की बजाय आपको सेब खिलाना ज्यादा बेहतर होगा। सेब में आयरन, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी पाचन क्रिया भी आसानी से काम करती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने जानी बच्चों की ऐसी डाइट जो उन्हें मॉनसून के मौसम में देनी चाहिए। इससे उनकी पाचन क्रिया स्वस्थ रहती है और बच्चे भी हंसी खुशी रहते हैं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल भव्य हेल्थ केयर को आज ही सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन बी हेल्दी, बी हैप्पी एंड बी फिट।